सोलन अस्पताल में अव्यवस्थाओं के आलम को लेकर तीन युवा पिछले 8 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे। आमरण अनशन पर बैठे युवकों का बुधवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वा दिया। सोलन अस्पताल में अव्यवस्थाओं के आलम को लेकर आमरण अनशन पर बैठे युवकों का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वा दिया। हालांकि आमरण अनशन पर बैठे युवकों को मनाने में मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कड़ी मशक्कत के बाद कहीं जाकर युवाओं का अनशन तोड़वाया। गौरतलब है कि सोलन अस्पताल में अव्यवस्थाओं के आलम को लेकर तीन युवा आमरण अनशन पर बैठे थे। ये तीनों युवक अस्पताल में चिकित्सकों के रिक्त पड़े पदों को भरने सहित अन्य सुविधाओं की लड़ाई लड़ रहे थे। अनशन पर बैठे युवा राजीव अरोड़ा ने कहा कि ये जीत आम जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि 4 दिनों के भीतर अतिरिक्त चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध ना हुई तो उन्हें दोबारा अनशन पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मंत्री जो हमारे हैं वो सहजल जी आए थे और उन्होंने हमारा ये अनशन तोड़वाया और प्रेस के सामने उन्होंने ये भी कहा है कि हमें सिर्फ 4 महीने का समय दें और 4 महीने में जो बाकी समस्याएं हैं वो भी हम पूरी कर देंगे, क्योंकि हमने उन्हें काफ़ी लंबे वो दिए थे कि यहाँ ये सोलन के मांगे थी कि ये समस्याएं हैं, तो उन्होंने कहा ये मांगे भी पूरी कर दी जाएंगी। लेकिन तत्काल रूप से हमारी जो डॉक्टर्स की मांग थी, ताकि जो सोलन की जनता परेशान हो रही थी, लंबी लंबी लाइनों में लगती है, डॉक्टर्स मिलते नहीं हैं, तो लगभग 8 डॉक्टर्स तो हमें 2 दिन बाद मिल ही जाएंगे। यदि 4 दिन तक सही में यहाँ डॉक्टर नहीं पहुँचे तो हमारी ये जो एक जंग है फिर से जारी रहेगी। और मैं सभी सोलन वासियों को, स्टूडेंट्स को, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े उनको धन्यवाद भी करता हूँ और कहता हूँ कि आप सबकी ये एक जीत है। वहीं इस दौरान मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने युवाओं को आश्वासन दिया कि बुधवार से क्षेत्रीय अस्पताल में 3 अतिरिक्त चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। यही नहीं, उनके साथ CMO सहित MS भी रोगियों का चेकअप करेंगे। उन्होंने कहा कि अस्पताल में खराब पड़ी सभी मशीनों को जल्द ही ठीक करवा दिया जाएगा। इनकी जो मांगे हैं और इनकी जो चिंता है, और वो हमारी चिंता भी है, मैं इनकी चिंता से बिल्कुल सहमत हूँ। और मैंने आश्वासन इनको एक तो ये दिया है, वो भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, कि तुरंत जो है वो, क्योंकि चिकित्सकों की कमी जो है वो मुख्य मुद्दा जो है वो है, और उसमें 3 चिकित्सक जो हैं उनकी व्यवस्था जो है वो तुरंत हो रही है। CMO साहब इंश्योर करेंगे कि डॉक्टर्स कल से जो है यहाँ पर OPD में बैठे। हमारे मित्रों ने ये भी ध्यान में लाया है कि यहाँ जो इक्विपमेंट हैं, कोई एक्स-रे मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, या अन्य जो और भी यंत्र जो यहाँ पर लगे हैं, इनकी शिकायत ये है कि भी वो अक्सर जो है वो ऐसा कहा जाता है कि ख़राब है। इन इक्विपमेंट्स को ठीक रखा जाएगा, ये मैं इनको आश्वासन दे रहा हूँ। और समय समय पर ये ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोगों को इनकी सेवा मिल रही है नहीं मिल रही, उसकी समीक्षा मैं स्वयं किया करूँगा। बाकी 10 डॉक्टर्स की जो प्रक्रिया है उनको यहाँ भेजने की, वो प्रक्रिया जो है वो प्रोसेस में है, बहुत शीघ्र वो। और मैंने कहा है, मैंने 3.5-4 महीने का समय जो है, मैंने कहा है कि इतने समय के अंदर निश्चित तौर से डॉक्टर्स जो है यहाँ पर पहुँचे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।